हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश ने आपका एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। बीएससी, पोस्ट बीएससी एंड एमएससी जितने भी जो टेस्ट होते थे वो सारे HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करती थी, लेकिन अब AMRU अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश मंडी नेरचौक जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। तो पिछले साल से ही 2021 से जो है AMRU जो है सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है। तो सारा एग्ज़ाम का और एडमिशन का जो भी प्रोसीजर होगा वो अब AMRU ही जो है वो कंडक्ट करेगी। तो आप AMRU की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे कि BSc पोस्ट बेसिक, BSc MSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल एंड BPharma आयुर्वेदा जित कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 2022 टू 2023 सेशन की, वो उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस रहेगा 2022 टू 2023 का, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 अगस्त 2022 से। जो भी BSc पैरामेडिकल एंड BPharma आयुर्वेदा के कोर्सेज है उनका स्टार्ट होगा 4 अगस्त 2022 से, और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की वो होगी 15 अगस्त 2022, एंड द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज 28 अगस्त 2022। संडे को जो है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और जितने भी नर्सिंग कोर्सेज हैं उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो मॉर्निंग सेशन में होगा अराउंड 10 AM to 12 noon, एंड फॉर BSc पैरामेडिकल एंड BPharma आयुर्वेदा कोर्सेज का इवनिंग सेशन में होगा 2 PM to 4 PM। और जो आपकी फॉर्म फिल करने की जो लिंक है वो आपको नीचे शो हो रही है www.amruhp.ac.in। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सिलेबस होगा, जितनी भी सीट्स होगी और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। लेकिन अभी जो है वो MSc नर्सिंग 2022 टू 2023 सेशन का जो प्रोस्पेक्टस है वो नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी रफ आइडिया दूंगी जो हमारा प्रीवियस प्रोस्पेक्टस था उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा रहता है तो मैं वो आपको बताऊंगी। तो अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल 14 सब्जेक्ट्स है। सबसे पहले है मेडिकल सर्जिकल नर्सेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 एंड इट कंटेन्स 20 मार्क्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 20 क्वेश्चंस कंटेन 20 मार्क्स। सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस ही आएंगे इससे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 20 क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स के ही रहेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग 20 क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स के ही रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 मार्क्स 10। अप्लाइड नर्सिंग के 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 मार्क्स के ही रहेंगे। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 5 मार्क्स के ही रहेंगे। नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 कंटेन 5 मार्क्स। फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 कंटेन 5 मार्क्स। न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 मार्क्स। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, 5 क्वेश्चंस ही आएंगे जो कि 5 नंबर के ही रहेंगे। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के ही रहेंगे। एंड जनरल नॉलेज, 5 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के ही रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आपके पास हाईली वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं और आपको इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इन सब में से 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और जो आपकी ये क्वेश्चंस है ये सारे एक एक नंबर के होंगे, मीन्स आपके पास टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे।
और जिसको पता नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का रहता है तो वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। एमएससी नर्सिंग की एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है एग्ज़ाम की, जो कि 2019 में हुआ था, तो आपको उसे आइडिया लग जाएगा क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसा ही पैटर्न था। इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो हर सब्जेक्ट से आते थे और सेम 150 ही क्वेश्चंस का जो है वो पेपर रहता था। अगर आप किसी को भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे आप मेल या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट रहता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एएमआरयू के अंडर। तो आप देख सकते हो कि ये 5 टोटल जो हमारे पास स्पेशलिटी रहती है, और जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल वो कॉलेज के अकॉर्डिंग है कि किस कॉलेज के पास कितनी टोटल सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 156। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हमारे पास जो हमारा सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है AGMC, उसमें 5 टोटल सीट्स हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी 5, और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में भी 5, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी 5, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी 5। तो टोटल IGMC में 25 सीट्स हैं, और जो रिमेनिंग बचे हमारे पास वो टोटल 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे मुरारी लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सोलन में 20 सीट्स है टोटल, और शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संजौली में टोटल 15 सीट्स है, और नेताजी सुभाष नर्सिंग इंस्टीट्यूट पालमपुर में टोटल 16 सीट्स है, मॉडर्न नर्सिंग कॉलेज अनाडेल शिमला में 25 सीट्स है, शिमला नर्सिंग कॉलेज में 25 सीट्स है, एंड जो लास्ट है गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग धर्मशाला में, उसमें टोटल 30 सीट्स है। तो आपके पास टोटल होती है 156 सीट्स जो कि MSc में है। तो ये टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स है, जो अभी एग्जैक्ट प्रोस्पेक्टस आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का वो किस तरह से है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एज पर रोस्टर एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी इज शैल बी अमेंडेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च HP शिमला एंड अकॉर्डिंगली पब्लिश्ड इन द प्रोस्पेक्टस। तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 60% सीट्स है वो इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो ही फिल कर सकते हैं 60% सीट्स को, एंड 40% सीट्स जो है वो ओपन कंपटीशन के लिए होती है। इट मींस कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 25, उसमें से जो 15 सीट्स है वो इन सर्विस के लिए है, और जो डायरेक्ट ग्रुप है उसके लिए जो है वो टोटल 10 सीट्स है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, एंड जो भी हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो उसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आफ्टर BSc नर्सिंग, तो आप एलिजिबल हो MSc के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप में से कोई भी MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके MSc नर्सिंग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।